गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम मनीष सिंह राठौर, इंग्लिश टीचर। तो आज हम आप लोगों को वर्ब के बारे में पढ़ाएंगे, एक्चुअल वर्ब होता क्या है। ठीक है, वर्ब जहाँ तक हम जानते हैं, आप सब भी पढ़े हैं, वर्ब को एक्शन वर्ड कहा गया है। ओके, यानी क्या पता चलता है, वर्ब क्या है? एक्शन वर्ड है। लेकिन वर्ब सिर्फ एक्शन वर्ड ही नहीं है, ये क्या क्या शो करता है ये देखते हैं। वर्ब जो है एक्शन तो बताता ही है, राइट, साथ साथ स्टेट, साथ साथ क्या बताता है, स्टेट भी बताता है, यानी अवस्था भी बताता है, उसके साथ साथ क्या बताता है, पोजीशन भी बताता है, राइट। पोजीशन मीन्स क्या होता है, राइट, इट मीन अधिकार। तो हमेशा याद रखना है कि वर्ब क्या क्या शो करता है, वर्ब क्या बताता है, एक्शन तो बताता ही है, साथ साथ स्टेट भी बताता है, और साथ साथ क्या बताता है, पोजीशन भी बताता है, यानी राइट भी बताता है, अधिकार को भी शो करता है। ओके, जैसे एग्जांपल देखते हैं, ही प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट या ही बीट्स मी। तो ही प्लेड क्रिकेट में प्लेड क्या है, क्या शो कर रहा है, यहां पे क्या शो कर रहा है, ये एक्शन को शो कर रहा है, यानी वो क्या कर रहा है, क्रिकेट खेला जा रहा है, यानी उसके द्वारा क्या एक्शन किया जा रहा है, खेलने का एक्शन किया जा रहा है, क्या खेलने का, क्रिकेट खेलने का। ओके, दूसरा मैंने दिया है कि स्टेट को भी बताता है, स्टेट जैसे एग्जाम्पल, ही इज इल, मैंने लिखा है He is ill, वह बीमार है। ओके, क्या, वह बीमार है, यानी यहां पे जो is है ये verb है, और ये verb क्या बता रहा है, state बता रहा है, अवस्था बता रहा है कि वह क्या है, बीमार है, right? क्या है, वह बीमार है। और यहां पे बच्चे ध्यान रखना है कि ill क्या है, ill कौन सा past of speech है, ठीक है, वह बीमार है में इल कौन सा पास्ट ऑफ स्पीच है, तो यहां पे याद रखना ये एडजेक्टिव है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हो कि नहीं, नाउन हो सकता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो नाउन होने के लिए क्या होना जरूरी है, इलनेस होगा, इलनेस होगा, तो ये जाके क्या होगा, हमारा नाउन होगा। अब यहां पे ये क्या है, एडजेक्टिव है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हम लोगों ने एक्शन देखा, स्टेट देखा, अब पोजीशन देखना है कि पोजीशन में क्या होता है। तो पोजीशन में क्या होता है, जैसे मैंने नॉर्मल एग्जांपल लिखा है, आई हैव अ न्यू कार, क्या लिखा है, आई हैव अ न्यू कार, यानी यहां पे हैव क्या है, वर्ब है, ठीक है। अगर इसका मीनिंग देखा जाए तो इसका मीनिंग हो कि मेरे पास एक नई कार है, मेरे पास एक नई कार है, मेरे पास एक नई कार है, यानी कार पे किसका अधिकार है, किसका पोजीशन है, किसका राइट है, मेरा, यानी आई हैव अ न्यू कार, यानी हैव यहां पे वर्ब के रूप में वर्क कर रहा है, अर्थ क्या बता रहा है कि मेरे पास एक नई कार है, यानी ये वर्ब क्या शो कर रहा है, यहां पे पोजीशन शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, पोजीशन शो कर रहा है। और ये पोजीशन किस में है, पोजीशन भी ये प्रेजेंट में है, यानी हैव यहां पे क्या कर रहा है, प्रेजेंट पोजीशन को शो कर रहा है। अगर यही सेंटेंस होता, आई हैड अ न्यू कार, मेरे पास एक नई कार थी, तो ये क्या हो जाता, हैड भी क्या करता, पोजीशन ही शो करता, लेकिन पास्ट पोजीशन को शो करता। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हमेशा याद रखना है
कि भाव सिर्फ एक्शन वर्ड ही नहीं है, भाव एक्शन के साथ साथ स्टेट और पोजीशन को भी दर्शाता है। ओके?